फिर से एक नया वीडियो, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। ये तो पता ही है कि अमाइंस में अगर मैं एक फार्मूला अगर आता है अमाइंस का, देख के फार्मूला अगर मैं देता हूँ, आर एन एस टू दे रही है, प्राइमरी अमाइन दे रही है एक लोन पर यहाँ पर, सेकेंडरी अमाइन का अगर मेरे पास फार्मूला दे रहा है तो फिर यहाँ पर एक आर दे रहा है, यहाँ पर एक लोन पर है, और टर्शरी अमाइन का अगर मेरे पास फार्मूला दे रहा है तो फिर यहाँ पे एक एन है, यहाँ पे एक आर दे रहा है, यहाँ पे एक आर आ रहा है, यहाँ पे एक लोन पर है। तो मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा तीनों में बेसिक कौन है, तो मैं बोलता हूँ बेसिक नेचर ऑफ अमाइन टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा बेसिक रहेगा। तो ये आर को अगर मैं देखता हूँ तो आर स्टैंड फॉर अगर कोई अल्काइल के रूप में, अगर समझिए मेरा मिथाइल है, फिर ये मेरा मिथाइल दे रहा है, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ CH3 CH2 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 और फिर यहाँ पर NH2 आ रहा है, ये प्राइमरी दे रही है। दूसरा एग्जांपल मेरा आ रहा है CH3 CH2, फिर यहाँ पे N दे रहा है, फिर यहाँ पे एक लोन पर आ रहा है, फिर यहाँ पे एक CH3 आ रहा है, CH2, फिर यहाँ पे एक CH3 आ रहा है, ये सेकेंडरी अमाइन दे रहा है। और तीसरा अगर मैं फार्मूला अलग बताऊँ, CH3 फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे एक लोन पर दे रहा है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 दे रहा है, यहाँ पे CH3 दे रहा है, और यहाँ पे एक CH3 दे रहा है। सब में चेक कर नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन सेम हो तो देख के भी पता चल रहा है कि ये टर्शरी है, मैंने ऑर्डर ऊपर लिख दिया। टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक होता है क्योंकि इसको प्राइमरी अमाइन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप एक साइड पे ही रहता है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनर इसको मिलता है, इसको सेकेंडरी को देने के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से ये वाला भी पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और टर्शरी को देने वाले तीनों साइड होते हैं। जब इसको तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं पर बढ़ती है। सो मैं भी कंडीशन होता है कि जितना मिथाइल दूर जाता है उतना अमाइंस की बेसिसिटी कम होती है, जितना मिथाइल से क्लोजर आता है उतना अमाइंस की बेसिसिटी बढ़ती जाती है। तो अगर मैं ऑर्डर में अगर मैं डालूँ ए बी और सी, तो मैं लिखता हूँ सबसे ज़्यादा बेसिक सी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है, तो ये बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है। अमाइंस की बेसिक दो कंडीशन में होती है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये मेरा गैस फेस है, अगर मैं लिखता हूँ गैस फेस का बेसिसिटी ऑर्डर क्या, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर अमोनिया डालता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बोलता हूँ लिक्विड फेस का बेसिसिटी क्या है, तो लिक्विड फेस में पहले सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है, फिर प्राइमरी आता है, और फिर जाके यहाँ पे अमोनिया आता है। तो ये लिक्विड फेस का बेसिक ऑर्डर है। और एक दो क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं आपको, इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन और एक सॉल्व करता हूँ सेम क्वेश्चन, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर CH3 CH2 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 और फिर यहाँ पर NH2 डालता हूँ, दूसरा आ रहा है CH3 CH, फिर यहाँ पर एक NH2 आ रहा है, CH2 दे रहा है, CH3 आ रहा है, और तीसरा आ रहा है CH3 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 और यहाँ पे एक NH2 दे रही है। अब मैं अगर ऑर्डर NH2 आ रही है, अगर मैं ऑर्डर डालता हूँ ए बी और सी, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो सारे के सारे प्राइमरी अमाइन ही है, NH2 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 सब प्राइमरी अमाइन है। अब बट तीनों में क्या देखना है, मैंने क्या बोला, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम होगा तो देखने का मिथाइल नज़दीक में कहाँ पे आ रहा है, जितना मिथाइल क्लोजर में आएगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे नज़दीक में मिथाइल दिख रहा है, इसमें तीनों मिथाइल क्लोजर आ रही हैं, तो मतलब सी आ गया, इसमें दिख रहा है एक मिथाइल यहाँ से क्लोजर आ रहा है मतलब बी हो गया, और लास्ट में मिथाइल काफ़ी दूर है मतलब वो ए हो गया। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़नी चाहिए, मतलब इससे अपनों ने देखा क्या कि जो मेरा बेसिक नेचर है अमाइंस का वो डिपेंड करेगा प्लस साई ग्रुप पे, किस पर डिपेंड करेगा, प्लस साई ग्रुप, जितना तेरा कार्बन बढ़ते जाता है उतना कंपाउंड मेरा बेसिक होते जाएगा। अगर फार्मूला अगर ऐसा दे रही है कि C2H5NH2 दे रही है और दूसरा C3H7 और NH2 दे रही है, और मैं बोलता हूँ दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है, तो सीधी सी बात आ रही है यहाँ पे, ये दोनों आइसोमर्स तो नहीं है, ये वाले आइसोमर्स है ना, सब में कार्बन सेम था, सब रहे आइसोमर्स थे। आइसोमर्स में क्या देखना है, CH3 क्लोजर आना चाहिए, बट अगर आइसोमर्स नहीं है तो सीधा वेट देखने का, जिसका वेट ज़्यादा वो ज़्यादा बेसिक। तो मैं अगर ये मेरा ए ऑप्शन दे रहा हूँ और ये बी आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ये थोड़ा कम शिफ्ट करेगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी इज़ ग्रेटर देन ए आ रहा है। और जितना भी मेरा माइनस ए भी याद रखना, बेसिसिटी जो अमाइंस है मेरा वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, कार्बन बढ़ेगा तो बेसिक होगा, बट अगर माइनस वाले ग्रुप्स बढ़ते हैं तो बेसिसिटी उसकी कम होती है। माइनस ग्रुप जैसे मतलब कि नाइट्रो हो रहा है, साइनो दे रहा है, फ्लोरो दे रहा है, क्लोरो आ रहा है, ब्रोमो दे रहा है, आइडो दे रहा है, डबल दे रहा है, ट्रिपल दे रहा है, और एट द एंड यहाँ पे बेंजीन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये। तो अगर ऐसा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH2 फिर यहाँ Cl दे रहा है, फिर यहाँ पे CH2 फिर यहाँ पे NH2 दे रही है, और यहाँ पे एक एच आ रहा है, दूसरा ये ऑप्शन ए दे रही है, दूसरा ऑप्शन अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा अगर ऑप्शन में यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में CH3
सी एच, फिर यहाँ पे सी एल दे रहा है, फिर यहाँ पे ये एन एच टू दे रहा है। मैं बोलता हूँ दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है, तो मेरे को पता है दोनों, ये भी माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप होता क्या है, प्लस आई मतलब प्लस आई ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनर, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। माइनस आई ग्रुप करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करता है। तो ये और ये दोनों सेम, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, खाली क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो मेरे को पता है क्लोरीन अगर क्लोजर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा वहाँ पे। तो ये ज़्यादा खींचेगा कि ये ज़्यादा खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बेसिक ज़्यादा कौन है, तो मैंने कहा ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो ज़्यादा खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। अगर एक एक दो एग्जाम्पल और मैं सॉल्व करवाता हूँ बेसिक नेचर को लेकर, मैं ए डालता हूँ, ऐसा डालता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं एन एच टू डालता हूँ, और यहाँ पे कहीं पे एक लाइन खींच देता हूँ। अगर मैं बी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे एन एच टू दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे एक लाइन दे रहा है। और अगर मैं सी लिखता हूँ, ऐसा दे रहा है, ये एन एच टू आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे सी आ रहा है। और मैं अगर डी डालता हूँ और मैं बोलता हूँ एन एच टू दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे एक लाइन, मैं बोलता सबसे सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, पहले चेक कर, सब चेक करो, सब में कार्बन सेम है, सारे के सारे फॉर्म साइक्लो एक्साइलिक ग्रुप है, और साइक्लो एक्साइल के साथ एक मिथाइल आ रहा है। अब जब सब में सब एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को पता है खाली मिथाइल शिफ्ट हो रहा है ना वहाँ पे। तो मैंने बोला कि अगर सेम कंपाउंड होगा तो अगर मिथाइल क्लोजर आए तो ज़्यादा बेसिक है। तो ऑर्डर क्या मिलेगा, ए, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा डी आएगा ना, डी की सी, बी के बाद क्या आएगा डी, और डी के बाद क्या आएगा सी, अरे डी के बाद यहाँ पे सी आएगा। और एक अगर माइनस लेके अगर मैं सॉल्व करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी एच थ्री, फिर यहाँ पे सी एच, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सी एच, फिर यहाँ पे सी एच टू एन एच टू डालता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा मेरा ऑप्शन बी दे रहा है सी एच थ्री, फिर यहाँ पे सी एच सी, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, और फिर यहाँ पे एक सी दे रहा है, फिर यहाँ पे सी एच टू, फिर यहाँ पे एक एन एच टू दे रहा है, और इसके बाद सी एक ऑप्शन आ रहा है, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू और एन एच टू। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो ये दोनों तो माइनस आई ग्रुप है ना, ये वाले दोनों माइनस आई ग्रुप है। जब दोनों माइनस आई ग्रुप है तो दोनों बेकार ही है। वो सबसे ज़्यादा बेसिक सी है, सी के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड, तो बेसिक ज़्यादा खींचेगा, दोनों की पोजीशन भी सेम आ रही है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब वो खींचेगा तो बेसिसिटी को कम करेगा, उससे कंपेरिजन में ट्रिपल बॉन्ड बेटर जाएगा। तो मतलब बी इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब कहने का मतलब क्या, जब हम लोग बेसिसिटी अमाइंस के रिस्पेक्ट में अगर चेक करते हैं माइनस आई ग्रुप को लेकर, तो हम ऐसा मूव नहीं करते, हम ऐसा मूव करते हैं, उल्टा जाते हैं, इसलिए मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डाला था, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, ये जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डाला था एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी का हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था। इस वीडियो में वही है कि अमाइंस का बेसिक नेचर हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।